ये है हमारे दुबई सीरीज की नई वीडियो शॉर्ट दुबई सिटी टूर। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं दुबई फ्रेम, जबील पैलेस और एक दो और चीजें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक का बनाया गया हर फ्रेम ये सबसे बड़ा फ्रेम क्या है? सबसे बड़ा फ्रेम। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन दुबई वॉल ऑफ फ्रेम, इसको दुबई फ्रेम भी कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है दुबई फ्रेम। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेम है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। तो चलो आगे आपको और इसके बारे में कुछ बताते हैं और थोड़ा सा और दिखाते हैं। दुबई वॉल ऑफ फेम जो है वो ये जो है जो पीछे देख रहे हो आप, इसमें कहते हैं कि जो दोनों साइड देख रहे हो आप, इन दोनों साइड पे लिफ्ट है। एक साइड से ऊपर जाती है लिफ्ट, दूसरे साइड से नीचे आती है। एक साइड से जब ऊपर जाते हैं तो उसमें जो ओल्ड दुबई का कल्चर था कि कैसे यहाँ पे रहते थे, टेंट्स में कैसे शादियाँ होती थी, वो सब दिखाया गया है एज अ म्यूज़ियम वन साइड से, इस साइड से। और जब फिर ऊपर जाते हैं बिल्कुल बीच में, मतलब वो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाले में ग्लास के, ग्लास का मतलब नीचे बना हुआ है, जिससे कि जैसे कि हम कई बार वीडियो में देखते हैं कि ग्लास का मतलब फ्लोर है, तो उसमें हम जाते हैं तो फील होता है कि कितना ज़्यादा नीचे गहराई है। और दूसरे साइड से जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसमें न्यू दुबई का कल्चर बताया गया है, जैसा कि मुझे टूरिस्ट गाइड ने बताया। हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इट विल टेक अराउंड 1 to 2 hours टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो हमें आगे भी जाना है अभी बहुत सारी जगह घूमने। तो यही है दुबई का फ्रेम, द ग्रेट फ्रेम ऑफ दुबई, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में। तो कैसा लगा आपको बताओ, ये इसके बारे में जो हमने बताए हैं वो कैसी लगी चीज़ें? और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। बाकी बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बारे में गूगल में पढ़ो, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं। ऊपर कहते हैं कि वो कुछ जैसे होता है ना बड़ा सारा लेंस, वो लगा भी हुआ है जिसे दोनों साइड देख सकते हो। एक साइड से आपको न्यू दुबई दिखेगा जिसमें बुर्ज खलीफा वाला साइड है, दूसरे साइड आपको ओल्ड दुबई दिखेगा जहाँ पे टेंट्स और ये सब चीज़ें लगी हैं। तो यही है दुबई का वॉल ऑफ फ्रेम, जो बड़ा वाला फ्रेम है। बस इसके बाद हम चलते हैं नई जगह और आपको दिखाते हैं एक नई चीज़। तो हम निकल चुके हैं जबील पैलेस के लिए है, और ये ऑन द वे हमें पड़ा ये जो दिख रहा है ये है मॉस्क, मतलब मस्जिदें। काफ़ी सुंदर, काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत शानदार आर्किटेक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत शानदार है इनकी। तो बस हम पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और आपको दिखाते हैं जबील पैलेस। तो आई थिंक वी हैव एंटर्ड, ये हम एंटर कर चुके हैं जबील पैलेस में। तो चलिए देखते हैं ये जो यहाँ के रॉयल फैमिली का रेसिडेंस है वो कैसा दिखता है। ये जो है ये जबील पैलेस है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका मतलब रिहाइश जो होती है उस, वो यहाँ पे है। और ये हेडक्वार्टर बेसिकली इनके, तो काफ़ी पैलेसेस हैं हर जगह पूरे विश्व में, बट ये है जो इनका मेन हेडक्वार्टर है। चलो चल रहे हैं। यहाँ पे रात को बहुत शानदार लाइटिंग वाइटिंग होती है कहते हैं। इधर अंदर ज़्यादा अंदर जाने नहीं देते हैं सिक्योरिटीज रीज़न से। तो ये है, आप जो देख रहे हो ये ऊपर जो घोड़े वगैरह लगे हुए हैं, बेसिकली वो जैसा हमें यहाँ पता चला है कि इनको हॉर्सिंग वगैरह का काफ़ी शौक था, मतलब बड़ा महंगा गेम है, तो इसीलिए इनके ये ऊपर ये बना हुआ है। ये जबील पैलेस कवर कर लिया हम लोगों ने, पूरा एक 360 व्यू है जबील पैलेस का, देखो आप ये पीछे पैलेस। ये जो सामने देख रहे हो ये, इस जगह पे लाइटिंग वाइटिंग रात को बहुत शानदार होता है। ये काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब मस्ट वॉच प्लेस है जो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी हम आगे जाके घूमने वाले हैं, तो बने रहो हमारे साथ।
तो जबील पैलेस से निकलने के बाद हम लोग जब पार्किंग में गए तो हमें लंबी चौड़ी गाड़ी वहाँ पे खड़ी मिली पार्किंग में। इसे लिमोजिन कहते हैं, बहुत शानदार गाड़ी थी। और जैसे आप देख रहे हो सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो एज ए इंडियन हमने भी एक फ़ोटो क्लिक कराई, तो ये रही वो फ़ोटो। बहुत शानदार गाड़ी थी ये। तो अब निकलते हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है जुमेरा बीच। बट जुमेरा बीच का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत शानदार वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो, उसे ज़रूर देखेगा। और तब तक हम लोग आपको रास्ते में कुछ एक चीज़ें पड़ेगी वो दिखाते हैं। जैसे ये जो सामने देख रहे हैं, ये पाम जुमेरा होटल है, 7-स्टार होटल है ये, बहुत शानदार होटल। और कहते हैं कि यही जो होटल थी, इसी से दुबई सिटी में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई और प्रमोट हुई इसी होटल के कारण। और इसी के जस्ट बाजू में जुमेरा होटल भी है, जो भी बहुत फेमस होटल है, 7-स्टार होटल है वहाँ पे। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है जुमेरा होटल और वो थी पाम जुमेरा होटल। तो ये दोनों होटल्स बहुत फेमस हैं यहाँ पे, जो अभी दिख रहे हैं आपको, और इन्हीं से यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट हुई। तो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जैसे कि मैंने बताया जुमेरा बीच। वीडियो नेक्स्ट उसमें आएगा पूरा। इसके बाद हम लोग जाएंगे होटल में लंच करने के लिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ की एक बहुत ही सुंदर मस्जिद है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो अब आ गए हैं हम अपने होटल में, लाल किला होटल। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो ये मेरे पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट लाल किला रेस्टोरेंट। बेसिकली वी गेट कन्फ्यूज। तो हमें कन्फ्यूज़न ये था कि ये लाल किला होटल इंडियन है कि पाकिस्तानी, बट ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो हम करते हैं लंच और आप इंतज़ार कीजिए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।